दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल डी। प्रदेश में बढ़ते नशे के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से शहीद आजम सरदार भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर आज एलनाबाद में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हरियाणा पुलिस के ADGP और हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुखिया श्रीकांत जाधव के नेतृत्व में आज सुबह शहर में एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया। यह दौड़ गांव मिट्टी सुरेला में स्थित चौधरी मनीराम झोरड़ राजकीय महाविद्यालय से प्रारंभ हुई, जिसे मुख्य अतिथि और प्रयास संस्था के अध्यक्ष श्रीकांत जाधव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन दौड़ के लिए पूरी सिरसा रोड को जगह जगह पर पुलिस की नाकाबंदी करके खाली रखवाया गया था। सभी चौक चौराहों और संपर्क मार्गों पर हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। करीब 5 किलोमीटर लंबी यह मैराथन दौड़ सिरसा रोड पर गांव मिट्टी सुरेला चौक, तहसील कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड व अम्बेडकर चौक होती हुई पंचमुखी चौक में जाकर संपन्न हुई। इस दौड़ के महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में श्री गंगानगर से आए खिलाड़ियों ने जीत हासिल की। दौड़ में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का जगह जगह पर लोगों ने स्वागत करते हुए हौसला भी बढ़ाया। इस दौड़ के सफल आयोजन में शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट, विभिन्न ग्राम पंचायतों व शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भी सहयोग किया। इस अवसर पर सिरसा के SP डॉक्टर अर्पित जैन, DSP प्रदीप यादव सहित प्रदेश भर से आए विभिन्न पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा पुलिस के ADGP श्रीकांत जाधव ने इस पूरे अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गुड मॉर्निंग सिरसा, गुड मॉर्निंग एलनाबाद, कैसे हैं आप सब? हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। आज जो हम दौड़ लगा रहे हैं उसकी एक बात याद रखना, आपका जो जोश है, उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो रेस आएगी फिर आप सब लग रहे। एक बात याद रखना कि हम सबसे आज दौड़ रहे हैं उससे याद रखना, हमने नशे से दूर रहने का पैगाम देने के लिए दौड़ना है। तो इसके पहले कि आप दौड़े, हम 3 बार मेरे साथ आप जय हिंद का नारा लगाएंगे। आप 3 बार जय हिंद बोलेंगे, उसके बाद जब आपको झंडी देंगे, हरी झंडी दी जाएगी, तब आपने दौड़ना है। दौड़ते वक्त ध्यान रखना है कि कोई एक्सीडेंट ना हो, दौड़ते समय कोई गिरे ना, कोई चोट ना लगे। तो आप 3 बार जय हिंद के लिए तैयार हैं? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप किस लिए आज की दौड़ है, थोड़ा आपके माइंड में है? किस लिए? नशे के विरोध, नशे के विरोध में। ये संदेश इस दौड़ के जरिए हम पूरे सिरसा में दे रहे हैं, पूरे हरियाणा में दे रहे हैं, और आप सबका योगदान इसमें बहुत जरूरी है। दौड़ते समय इस बात का ध्यान रखना आपने कि चोट ना पहुंचे, कोई गिर ना जाए, एक्सीडेंट ना हो, अपना रास्ता देख के सही लेन में दौड़े और चोट ना पहुंचाए, और जीतने की कोशिश करनी है। हर किसी ने जीतेगा तो कोई दो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज से कोशिश करना है उसमें। 35 तक है, अच्छा गुड, फिर तो बहुत है, फिर भी फर्स्ट सेकंड आने की कोशिश करना। सो आर यू रेडी? ऑन योर फीट, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। On your mark, ready, set, go. आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से।
सर। हाय सर, पहले नाम बताओ। ये मेरा गुजर राजस्थान। राजस्थान 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 टोंक है वैसे तो जिला, प्रेटिस किसी गंगानगर करता हूँ। सुरेंद्र विश्व कोच है मेरा, वहाँ के खेल अधिकारी है, पंटर में करता हूँ। आज आप जीते हो, सबसे पहले आपको उसकी बधाई हो। थैंक यू सर। और कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सर। कितनी मेहनत की आपने आज? सर 4 साल हो गए मुझे करते। अच्छा, इससे पहले भी कोई आपने किसी? नेशनल प्लेयर हूँ सर, वैसे पहले कभी जीते? नेशनल प्लेयर हूँ ना। नेशनल प्लेयर हूँ। तो आज की जो जीत है इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय सर मेरे कोसा को दूंगा सर, क्योंकि यहाँ का जो इवेंट है इसकी मैनेजमेंट आपको कैसे लगी? सर बढ़िया, एक नंबर है। थैंक यू। नाम है जी रवि राणा। क्या नाम है? रवि राणा। कहाँ से आए हो? गांव बिजना जी अपना, तहसील गरौंडा जिला करनाल है जी। आज आप सेकंड नंबर पे आए हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है? थोड़ा सा एक सेकंड का फर्क रह गया। हाँ जी, 2-3 दिन से एक ओवर काउंट नहीं हो पा रहा था जी, और एक दिन 24-25 को सीनियर स्टेट थी अपनी हरियाणा, तो कंपटीशन लड़ने के बाद सीधा ही लड़े अभी, इसलिए थोड़ा कष्ट नहीं हुआ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, अपने हरियाणा मैच ही दौड़ पर चौक पर फिरा नहीं, तो मतलब अपने खिलाड़ियों को और बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को यही देंगे क्योंकि लड़की सुबह शाम अपनी मेहनत करे और अच्छी डाइट ले और अच्छे से मेहनत करें। आप फर्स्ट सेकंड में थोड़ा सा अंतराल में हारे हो। हाँ जी। तो आपको कैसा महसूस हुआ? बस वही है, जोर अच्छे के लिए होता है थोड़ा। हरियाणा सरकार ने और हरियाणा पुलिस ने जो नारकोटिक्स ब्यूरो है उन्होंने ये जो नशे को छुड़वाने के लिए जो आयोजन किया है इसके बारे में पूछेंगे। हाँ जी, बहुत ही अच्छा कदम है जी, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए जी, ऐसी दौड़ पर उठती रहेगी तो बहुत ही कम होने लग जाएंगे आगे नशे। पूजा कहाँ से आए? गंगानगर। आज आप मिट्टी के बारे में फर्स्ट आए हैं? हाँ जी सर। कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया। अगर ओवरऑल फर्स्ट आते तो और बढ़िया लगता? हाँ जी सर। आपने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करी होगी? सर 4 साल हो गई, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को प्रैक्टिस होते। आप अपना आइटम किस प्रकार से हो? सुंदर को साहब गंगानगर से। आपके बैच में? हाँ जी सर। दोनों आप गंगानगर से? हाँ जी सर। ठीक है, इसके साथ साथ में आपने पढ़ाई भी करी होगी ना? हाँ जी सर, कॉलेज हो गई, बीपीएड कर रही हूँ। अन्य लड़कियों का तैयारी करो? यही कि अपना खुद का टारगेट बनाओ लाइफ में, जॉब के लिए अच्छा गेम करो। ये आयोजन किया सर बहुत अच्छा लगा, ऐसा होना चाहिए, हर 70 में करवाना चाहिए, क्रिकेट का पता चले। के लिए कोई मैसेज है आपका? क्या सर? युवाओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही सर कि नशे से दूर रहे, अपना करियर बनाए। सबसे पहले जो आज का जो इनिशिएटिव है इसके बारे में थोड़ी जानकारी। ये बहुत ज़रूरी है कि जो नशे के विरुद्ध की आवाज़ है वो लोगों तक पहुँचे, हर घर तक पहुँचे, हमारा जो यूथ है उसको ये पता चले कि ये प्रॉब्लम कैसे उनको ही अफेक्ट कर रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी कि अवेयरनेस कैंपेन जगह जगह हो, और आज का जो एफर्ट है वो इसी डायरेक्शन में है कि अवेयरनेस जाए, हर घर तक जाए, क्योंकि सिरसा और इलाहाबाद यहाँ समस्या भी ज़्यादा है, तो यहाँ से एक अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च करने की ज़रूरत थी। उसके अलावा ये स्टेट एक्शन प्लान का भी हिस्सा है कि हम हर गांव को, हर वार्ड को, हर स्कूल को, हर कॉलेज को जोड़े, और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती है उस पर हम काम करें। तो आज का एफर्ट अवेयरनेस के साथ साथ डी एडिक्शन के लिए लोगों को, खास करके यंगस्टर्स को मोटिवेट करना, उनके फैमिलीज़ को मोटिवेट करना, एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे वो आके ट्रीटमेंट की जानकारी ले सकते हैं। ट्रीटमेंट भी हम उनको देना चाहेंगे, जो भी आ जाएंगे उनको ट्रीटमेंट भी देना चाहेंगे। तो आज का प्रयोजन ये है कि अवेयरनेस भी हो और ये भी पता चले कि इसका सोल्यूशन भी है, इसमें ट्रीटमेंट भी मिल सकती है।
सर, ये जो ट्रीटमेंट की आपने बात की है, क्या ये इंडोर रहेगा या आउटडोर रहेगा, कैसे? ये डिपेंड करेगा जो ओपीडी, जिनकी समस्या केवल ओपीडी से सॉल्व हो सकती है, उनको ओपीडी में चेक करके उनकी दवाइयाँ दी जाएगी। और अगर तो सीरियस हमको लगता है कि डॉक्टर्स को लगता है, जो हमारे साथ डॉक्टर जुड़े, कि इनको एडमिट करके या डिएडिक्शन सेंटर्स में ले जाके ट्रीटमेंट देनी है, तो उनको फिर वैसे ट्रीटमेंट दी जाएगी। क्या आपको लगता है कि एक दिन का ये अवेयरनेस कैंप लगाने से ये सारा मामला सॉल्व हो जाएगा? उसके लिए कोई इनडेप्थ भी जाना पड़ेगा, कोई टीम बनेगी कोई? ये अगर कोई सोचे कि एक दिन में या एक महीने में या एक साल में सब कुछ खत्म होगा, ये समस्या इतनी गंभीर है और इतनी फैली हुई है कि इस पर लगातार आपको, हमको, सरकार को और सभी विभाग जो इसके साथ जुड़े हैं, जो स्टेट एक्शन प्लान है जो मुख्यमंत्री महोदय ने 26 जून को जिसको लॉन्च किया और जिसमें हमारे होम मिनिस्टर साहब भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे, तो स्टेट एक्शन प्लान में एक योजना दी है। ये एक दिन में कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, इस तरह के आयोजन से अचानक स्थिति कहने बदलती, लेकिन शुरुआत तो करनी होगी, आवाज़ तो उठानी होगी, आवाज़ तो